हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने पावर ऑफ स्टॉक्स की इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रैटेजी का अपडेट वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया था। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेकआउट करना। सो इन दिस वीडियो वी विल सी एन अनदर स्ट्रैटेजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रैटेजी अगेन गोज टू मिस्टर सुभाष पानी जी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स, हु हैज़ ओवर 882K सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारा भी जल्दी 3K होने वाला है, तो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी कर दो। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ कि टू बैक वीडियोज़ ऑन द सेम पर्सन, बट ये स्ट्रैटेजी बहुत टाइम से पेंडिंग था और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी था, इसलिए मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ। हमने ऑलरेडी इनका इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रैटेजी देखा है अपने चैनल पे, और आपको एक वीडियो सजेस्ट भी हो रहा होगा और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो के बाद ये वीडियो को देख सकते हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रैटेजी कॉल्ड 5 AMA स्ट्रैटेजी प्रोवाइडेड बाय सुभाष पानी जी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने ट्रेड कार्निवल इवेंट में शेयर किया था। बहुत डिमांड है स्ट्रैटेजी का, लेट्स सी हाउ दिस वन इज। स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, और जैसे आपको नाम से समझता है इसमें एक ही इंडिकेटर यूज होता है और वो है EMA, 5 पीरियड EMA टू बी स्पेसिफिक। और सेटअप हम सिर्फ सेल के लिए ही देखेंगे। उनके हिसाब से सेल कंडीशन में मोमेंटम ज़्यादा होता है, स्टॉक नीचे से गिरता है ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। और इसकी सबसे बढ़िया बात, हम इसको सिर्फ 9 to 10 के बीच में ही ट्रेड करेंगे। ऑल्सो और वन मोर थिंग कि ये स्ट्रैटेजी उन्होंने बोला है सिर्फ FNO स्टॉक्स में यूज़ करने के लिए, और जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो ऑब्वियसली FNO स्टॉक्स ही है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, जहाँ हम 5 AMA स्ट्रैटेजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी 50 के इन 4 स्टॉक्स में, और इन्हें अपने वेटेज के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है ताकि ये निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर सके और हमें आइडिया आए कि इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू में टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स करेंगे, फिर हम इंडिकेटर्स में जाके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल प्लॉट करेंगे। ओके, अभी इसका पीरियड भी हम 5 डेज कर लेंगे। एक और इंडिकेटर मैं यूज करूंगा यहाँ पर सिर्फ बैक टेस्टिंग के लिए, ये कंपलसरी नहीं है बट इससे हमको डेली का एक रेंज मिल जाएगा। इधर इंडिकेटर में जाके सिर्फ डेली क्लिक करने का और बाकी सबको अनटिक करने का। इंडिकेटर का नाम है पीरियोडिक रेंज बाय रियो। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हर डेट के पीरियड को आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं। जैसे ये सब सेम कलर का है तो ये पूरा एक दिन का एक्टिविटी है, ये पिछले दिन का है, ये सब पूरा एक ही कलर का है। देखिए ऐसा, ये सिर्फ आपको बैक टेस्ट करने में ईजी करेगा, इसके लिए हमने यूज़ किया है। चलिए, जैसे हमने बोला है हम ये सेटअप को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में सिर्फ सेल कंडीशन के लिए डिफाइन करेंगे। आप बाय कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो हायर टाइम फ्रेम्स में, बट सेल सेटअप का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है मिस्टर सुभाष पानी जी के हिसाब से। सो रूल्स फॉर सेल सेटअप, वैसे 2 ही रूल्स है स्ट्रेटेजी में। फर्स्ट, द लो ऑफ द कैंडल शुड बी अबव 5 AMA, कैंडल को 5 AMA के ऊपर होना चाहिए और उसका लो EMA को टच नहीं करना चाहिए। सेकेंड रूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कि यू विल ओनली टेक ट्रेड बिटवीन 9 to 10। ये रूल मेरे को बहुत अच्छा लगा है टू बी ऑनेस्ट। द एंट्री विल बी एट द लो ऑफ द एंट्री कैंडल एंड स्टॉप लॉस विल बी हाई ऑफ द डे। ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो एंट्री कैंडल है, राइट, जो EMA को टच नहीं कर रहा है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अकॉर्डिंग टू हिम आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड 2 या फिर 3 भी रख सकते हो। एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी के लिए बहुत हाई रिस्क रिवॉर्ड है। मैं ओरिजिनली सोच रहा था कि 2 के लिए टेस्ट करूँ, फिर सोचा रिजल्ट अच्छा नहीं लगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि आपको 3 के लिए भी टेस्ट करना चाहिए था, और मैं लोगों के मन में कोई डाउट नहीं रखना चाहता, इसलिए हम इसको दोनों के लिए टेस्ट करेंगे। चलिए, आई होप आपको स्ट्रैटेजी क्लियर है। आप उनका वीडियो भी ज़रूर देख सकते हो, आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और डिटेल में जानना है। तो इस स्ट्रैटेजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। आप कंप्लीट टेस्ट को यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द फास्ट फॉरवर्डिंग।
सो द टेस्ट आर ओवर। सबसे पहले हम रिस्क रिवॉर्ड 2:1 के लिए देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें से 51 वाज विन एंड 49 वाज लॉस। टोटल विन रेट वाज 51%, टोटल गेन इन अकाउंट वाज 42.88% और मैक्स ड्रॉडाउन -6.75%। कंटीन्यूअस विन इन अ रो वाज 6 एंड कंटीन्यूअस लूज इन अ रो वाज 5। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वाज 1.9 मंथ्स। वेल, स्ट्रेटजी इज क्वाइट इंप्रेसिव। 42.88% गेन इन 1.9 मंथ्स एंड ड्रॉडाउन इज ऑल्सो जस्ट 6.75%। चलिए अब हम स्ट्रेटजी को 3:1 के लिए भी देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें से 47 वाज विन एंड 53 वाज लॉस। विन रेट वाज 47%, टोटल गेन इन अकाउंट वाज 53.03% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज -7.4%। कंटिन्यूअस विन इन अ रो वाज 5 एंड कंटिन्यूअस लूज इन अ रो वाज आल्सो 5। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वाज 1.9 मंथ्स। वेल, रिजल्ट आर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। जनरली कैसा होता है, जैसे ही आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता है आपका विन रेट कम होता है, बट इधर विन रेट भी काफी इंप्रेसिव है। मेरे को लगा था कि शायद रिस्क रिवॉर्ड 3 में कम आएगा रिजल्ट, बट उसने तो आउट परफॉर्म कर दिया रिस्क रिवॉर्ड 2 को। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है और आपको सिर्फ दिन में 1 आवर देना है अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड लेते हो। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो पूरा दिन ट्रेड ले सकते हो। कूडोज टू मिस्टर सुभाष पनी जी फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग स्ट्रेटजी। सो आई विल ऐड दिस स्ट्रेटजी इन द गूगल शीट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द 3rd and 5th पोजीशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रीवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यू लाइक। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपकी स्क्रीन पे होगा, आप हमें डोनेट भी कर सकते हो। प्लीज कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटजी आप चाहते हैं कि हम टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी कमेंट में जरूर बताना। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटजीज के वीडियो भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।